हमारे साथ चरखी दादरी के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गर्ग मौजूद है। लेकिन जनता के साथ शोषण किया जा रहा है। रेवड़ियां भी उठाए गए, लेके गए हैं पीछे पीछे, बहुत दूर तक मैं उनके भागता रहा हूँ। नरक बना रखा है लोगों का, जीना दुर्भाग्य हो रहा है। जो एक सिरे से लेके शुरू करें फिर आखिरी तक ले जाएं, बीच में नहीं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के रेलवे स्टेशन रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं आज, जिनके जो चबूतरे या पैड़ियाँ या फिर उनका सामान जो बाहर रखा हुआ था नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा उठाया गया है। हालांकि नगर परिषद की कार्रवाई से दुकानदार कितना संतुष्ट है, इस बारे में दुकानदारों से बात करने वाले हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि चौतरे तो उनको फुटवाने का अधिकार है, लेकिन ये पानी का देखो ना क्या हाल कर रखा है। लोग नरक बना रखा है लोगों का, जीना दुर्भाग्य हो रहा है। जो है कम से कम इनका भी तो सुधार किया जाए, या खाली चौतरा फोड़न का सामान उठाने का उनको अधिकार है। कम से कम प्रशासन किसी का चौतरा फोड़ता है तो सबको बराबर लो। किसी का चौतरा, गरीब आदमी का चौतरा फोड़ दिया गया, बाकी का चौतरा सबका छोड़ दिया। कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं सर, असंतुष्ट है। कारण? व्यापारियों का साथ देना चाहिए प्रशासन को, व्यापारियों का साथ देना चाहिए प्रशासन को। मिलजुल कर अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए। गरीब को भी गरीब के तबके के साथ मिलकर चलना चाहिए, और व्यापारी के साथ व्यापारी के साथ चलना चाहिए। तो दूसरी, सबूतरे हटाना सही बात नहीं? नहीं, हटाओ आप। जिनके अवैध कब्जे उनके तोड़ो, हम उनके साथ हैं, परंतु जिन्होंने नहीं कर रखे उनके क्यों तोड़ रहे हैं आप? इस रोड पे हमारे पिछले 2 महीने से सीवरेज की समस्या से परेशान है, जिसमें से पानी निकालने के लिए कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं रहता। नमस्कार जी, आपका नाम? जय भगवान सोनी। आपकी भी दुकान है? हाँ जी मेरी है। ये पक्षपात चल रहा है जी, किसी के छोड़ देते हैं किसी के नहीं। या तो इनको तोड़ने तो सारे लगातार तोड़ो, सबका काम किसी के छोड़ दिए किसी के तोड़ दिए। ये किसी की दुकान ने छोड़ देते हैं, जिनको जो पहुँच वाले हैं उनकी दुकानों को नहीं तोड़ते, जो पहुँच वाले नहीं है उनकी दुकानों को तोड़ देते हैं। ये लाइन में सबके किसी की नहीं तोड़ते, ये किसी का छोड़ दिया किसी का तोड़ दिया। आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए एक बार, एक बार तस्वीर आप दिखा दें। दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन जो है वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। इस वक्त हमारे साथ चरखी दादरी के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गर्ग मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर, जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की है, कितना सही मानते हैं? एक हद तक ठीक है, लेकिन कार्रवाई करना ठीक है, लेकिन जो पक्षपात किया जा रहा है, दुकानदार आरोप लगा रहे हैं, पक्षपात नहीं होना चाहिए जी। ऐसे ऐसे में प्रशासन को कैसे कार्रवाई करनी चाहिए? एक सिरे से लेके शुरू करें फिर आखिरी तक ले जाएं, बीच में नहीं जी। चरखी दादरी के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गर्ग का कहना है, प्रशासन को एक सिरे से शुरुआत करके आखिरी तक जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण, उसको हटाना चाहिए। लगातार दुकानदार प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर देखना होगा जिला प्रशासन आगे किस तरह से कार्रवाई करता है। पक्षपात गलत है ना, तो किसी का नहीं फोड़ना चाहिए, फोड़ा सबके। अगर तोड़ना था सबका एक साथ को तोड़ना था, आगे छोड़ दिया, आगे क्यों छोड़ दिया? बोलने से आगे बोलने लगे तब पार गए। संतुष्ट के तो सबके फोड़े जाए चाहिए, और के एक का भी नहीं फोड़ना चाहिए। गरीब बुबा के फोड़ दिए, पैसा आगे रख दिए सबके, आगे रेलवे स्टेशन। ऐसा भी तो हो सकता है जो आगे बचे हैं उनको कल तोड़ा जाए, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा है ही नहीं, छोड़ के जब फेरता है गए सब। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। एक चबूतरा ये है जो टूटा हुआ चबूतरा है, दूसरा चबूतरा इसके पास में है, तीसरा चबूतरा भी आगे है, और चौथा या पांचवा चबूतरा टूटा हुआ है, फिर बचा हुआ है, फिर टूटा हुआ है। दुकानदार कह रहे हैं कि ये पक्षपात है, और शायद दुकानदार इन्हीं चबूतरों की वजह से आरोप लगा रहे हैं। फुटपाथ ही बना रखे हमने, ये को चौतरे अलग से निकाल नहीं रखे, ये गवर्नमेंट के चबूतरे बने हुए हैं, ये तभी के बने हुए हैं, और आगे निकाल नहीं रखे, देखो फिर भी तोड़ के गए हैं। ये देखो लाइन में सबके हैं, आगे तक देखो, आगे तोड़ दिए जाके, आगे भी काफी ज्यादा। आगे जो चबूतरे जो रोड पे गे रखे ना माल, वो कोई नहीं उठाया जी। और जो सारे ये जो पड़े हुए नहीं, को तोड़ रहे हैं काम का ही। दबाव तो बना ही रहे दुकानदारों पे, दबाव बनाने की कोशिश तो है ही दुकानदारों को। दुकानदार जिला प्रशासन से बेहद नाराज हैं। लगातार जो दुकानदार हैं वो नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। दुकानदारों का कह रहा है कि पक्षपात हो रहा है। देखिएगा, ऐसा है प्रशासन द्वारा जो है पक्षपात किया जा रहा है, और प्रशासन जो है दो आदमियों का चबूतरा तोड़ देते हैं, अपने परिचितों का छोड़ देते हैं। प्रशासन ने ना ही तो इन लोगों को कोई नोटिस दिया, ना ही कोई पैमाइश की। पैमाइश करते तो ये एक्चुअल में पता चल जाता है रोड की कितनी जमीन है। जो लोग उनको पैसा दे देते हैं, उनकी दुकानें बनवा रखी हैं, तोड़ तोड़ के दोबारा भी बनवा रहे हैं, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी का उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है, जमीन का भी कोई लेना देना नहीं है। SDM साहब भी इसमें शामिल हैं,
मेरे पास डीसी साहब के आदेश हैं अतिक्रमण हटाने के बारे में। 4 साल से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन की चू भी नहीं हिलती। जिन लोगों की सिफारिश है, जिन लोगों की पकड़ और पहुंच है, उनके छोड़ दिए जाते हैं, बाकी जो से तोड़ दिया जाता है। जनता के साथ शोषण किया जा रहा है, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हटाया गया है। ये देखने की चीज़ है, आपके सामने जो से चबूतरे कई लोगों के तोड़े हैं और बाकी कईयों के छोड़े हैं, जो उनके परिचित हैं, जिनसे उनको पैसा मिलता है, उनके छोड़ दिए हैं। ये रोड जो से पूरा 44 फुट का है, जबकि मात्र जो से 25 फुट का बचा हुआ है। प्रशासन कहाँ था अब तक? प्रशासन किसी गरीब आदमी का झोपड़े को तोड़ देता है और साहूकार को छोड़ देता है। ये शोषण जनता के साथ प्रशासन कर रहा है और खिलवाड़ कर रहा है, और इसमें नेतागिरी भी जो है ना, नेताजी भी जो शामिल हैं इसमें, जितने MLA MP वगैरह जितने मंत्री लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मैं खुले दावे के साथ कहता हूँ, एक SDM यहाँ अरुण कुमार IAS अधिकारी आया था, जिसने जो है यहाँ करके अतिक्रमण हटाया था, उसके फोटो है मेरे पास में, ये रह लिखो, और DG साहब के आदेश भी हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी आज तक किसी का कोई कार्य नहीं करवा सकी। ये देखो, ये तुड़वाया था उन्होंने, और म्यूनसिपल कमेटी अपना जो से पल्ला झाड़ लेती है, बोले हमारा कोई अधिकार नहीं है, रोड पर BNR का है, BNR जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये देखिएगा। लेकिन जनता के साथ इतना शोषण नहीं होना चाहिए। SDM साहब जो है एक निष्पक्ष आदमी है, समझे, जनता के हित के लिए है, लेकिन जनता के साथ शोषण किया जा रहा है। JCB वालों ने क्या किया, एक दुकानदार के यहाँ उसकी रेवड़ियाँ उठा करके JCB में खानी शुरू कर दी, उसका शोकेस सड़क पे उठा उठा के तोड़ा है। मौके के ऊपर चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मिल जाएंगे, CCTV कैमरा भी है, वो दुकानदार से भी कहवाऊंगा और अड़ोसी पड़ोसियों से भी मैं कहवाऊंगा। देखिए, दुकानदार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, प्रशासन की कार्रवाई पर, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन लगातार जो दुकानदार है वो आरोप लगा रहे हैं। पुष्टि करवाऊंगा जी, हाँ चलो, उनके पास CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, और उन दुकानदारों से पूछवाऊंगा, आपको स्पष्ट करवाऊंगा कि उस दुकानदार के साथ कितना अत्याचार किया गया है, लूट खसोट की गई है। जहाँ तक जो JCB वाला तोड़ने वाला था, उसने उसका रेवड़ी का पंजा भर के और रेवड़ियाँ खानी शुरू कर ली अपने रख के। क्या नुकसान हुआ है? मेरा सर यहाँ से काउंटर लगा हुआ था मेरा, यहाँ पे पीछे करके, नहीं मेरे को कोई चेतावनी थी, नहीं मेरे से किसी ने प्यार से बात की, सिर्फ JBC का पंजा उठाया और काउंटर मेरा रोड पे गिर के तोड़ दिया। 50 बार पंजे मार के उसको तोड़ा गया है कम से कम, और मेरा काउंटर का वजन कम से कम 2 क्विंटल था, लोहे का बना हुआ था, ठीक है, और रेवड़ी भरी थी। देखो मेरे शीशे का ये पोर्ट भी टूट गया, यहाँ पे मेरी रेवड़ियाँ भी उठा के लेके गए हैं बहुत पीछे तक, मैं उनके लेके गए हैं पीछे पीछे बहुत दूर तक, मैं उनके भागता रहा हूँ, और मैंने कहा कि भाई अगर कार्रवाई करनी है तो सारी करो सब। जैसे मेरा यहाँ से चौतरा तोड़ दिया तो पूरा बाजार का तो टूटना चाहिए, जो मेरे साथ ही कल्याण के साथ मान लेना इंसाफी हुई है, उरे और सामान गया मेरा, नुकसान करा, काउंटर मेरा रोड पे गिर के तोड़ा है, 10 बार कम से कम 20 बार JBC के पंजे मार के उसको तोड़ के बिल्कुल कचुम्बर बना के उसको वहाँ पे रख लिया, नहीं तो मेरा चालान कर देते, मेरा मान ले चालान कर देते, मैं उसका चालान भर देता, मेरा काउंटर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी बताओ। या कि किसी ने विभाग ने पहले सूचना दी थी कि मेरे को तुम्हारे काउंटर तोड़े जाएंगे या तो हटा लेना, और काउंटर तो अब भी मान लो जैसे तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, मेरी रेवड़ियाँ बिखरे दिया, तो मेरे को टाइम देते, थोड़ा बहुत समय देते, भाई हटा ले इसको फटाफट, तेरा चालान कर देंगे हम, चालान तेरा इतना करेंगे हम, तने मान ले अतिक्रमण कर रखा है या मेहनत कर रखा है, पूरे बाजार को एक नज़र से देखो। दुकान के बराबर में बिजली का खंभा भी सड़क के बीच में, वो हमने उसके हिसाब से चौथा बना रखा है, एक खंभे का उठवा दो, हम चौथा अपने हाथ से तोड़ देंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं इस बात में भी। कल भी आग लग गई थी, बिजली विभाग में कर्मचारियों को बुला के लाइन कटवाई गई है और फिर आग बुझाई गई है यहाँ से, उसके हिसाब से चौतरा बना रखा है ये, अगर इसको हटा देंगे तो हम चौतरे को अपने आप अपने हाथ से। आप दुकानदार हैं? हाँ जी, मैं दुकानदार हूँ जी, और ये रोहतक चौक पे जितने भी दुकानें हैं सब पे अवैध कब्जा है, वहाँ प्रशासन क्यों नहीं करता, हमारा यही सवाल है कि बार बार मेन बाजार को क्यों सीधा जा रहा है। रोहतक चौक पर कहाँ अवैध कब्जे? ये जो मेडिकल स्टोर वगैरह है सारी लाइन अवैध कब्जे में है, और तो उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता उनके ऊपर, ना ही काठ मंडी के ऊपर उठाता जी। लोगों का कहना है कि जो रोहतक चौक है वहां पर भी अवैध कब्जे हैं, मेडिकल स्टोर अवैध कब्जे में बने हुए हैं, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन अवैध निर्माण हटा रहा है, अतिक्रमण हटा रहा है, तो जो मेडिकल स्टोर रोहतक चौक पर बने हुए हैं उन पर भी पीला पंजा प्रशासन को चलाना चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने वाले हैं। नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की गई, इससे कितना सही मानते हैं? सही तो कुछ भी नहीं है, हिसाब के मुताबिक सबको बराबर लेके चलो, ये नहीं दो दुकान छोड़ दी आगे नहीं छोड़ी, सबको प्रॉपर लेके चलो बस।
जिनकी दुकानें टूटी हैं उन दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, जिनके सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिनके चबूतरे बने तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को पक्षपात नहीं करना चाहिए थी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? अभिषेक मुंजाल। अभिषेक जी, जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की गई है इसे कितना संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो जी। सबसे पहली बात तो आपको कार्रवाई करनी है, आप करो, लेकिन लीगली तरीके से। आप हमें आप एक अंकित चिन्ह दिया जाए कि आप इससे आगे मत आओ। फर्स्ट तो जिसका भी अवैध है आप तोड़ो, कोई वो नहीं है, लेकिन पक्षपात मत करो आप बिल्कुल। जिला चरखी दादरी शहर के जो दुकानदार है वो लगातार एक ही आवाज उठा रहे हैं कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी है, अगर प्रशासन को अतिक्रमण हटाना है, अवैध निर्माण हटाना है, तो शुरुआत से लेकर अंत तक हटाइए। दुकानदार जिला प्रशासन से बेहद नाराज हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।